कोरोना महामारी के बीच 181 दिन के लंबे अंतराल के बाद आज से हिमाचल प्रदेश की सीमाएं देश के हर नागरिक के लिए खोल दी गई हैं। प्रदेश में आने के लिए किसी भी व्यक्ति को अब कोविड-19 ई पास सॉफ्टवेयर में पंजीकरण नहीं करवाना होगा। पर्यटकों को न कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट लानी होगी और न होटलों में एडवांस बुकिंग करवानी होगी। बाहर से आने वाले क्वारंटीन भी नहीं होंगे। जयराम कैबिनेट की बैठक में ये बहुप्रतीक्षित फैसला लिया गया। कैबिनेट बैठक में ये भी फैसला लिया गया कि बाहर से आने वालों में यदि कोरोना के लक्षण दिखे तो उन्हें बॉर्डर पर ही रोक दिया जाएगा। उनका टेस्ट लेने पर जरूरत पड़ी तो अस्पताल में भर्ती किया जाएगा। वहीं अभी सरकार ने अंतरराज्य बसों के संचालन पर फैसला नहीं लिया है। देखिए, एक निर्णय हमने पिछली कल की कैबिनेट में बॉर्डर खोलने का दिया। बॉर्डर बंद तो नहीं थे, बॉर्डर खुले थे, लेकिन हमारे यहाँ पर जो हमने एक व्यवस्था रखी थी रजिस्ट्रेशन लोगों का आने जाने का, और उसमें एक ही हमारा मकसद था कि उसमें जो लोग आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, उनका रजिस्ट्रेशन हो, तो ताकि कोई अगर पॉजिटिव आता तो ऐसी सूरत में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग में मदद मिल जाए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने फिर इस बात को लेकर के जो फीडबैक हमारे पास आया, कहा कि आने जाने में असुविधा हो रही है, दिक्कत हो रही है, रोका जाता है वो उस फॉर्मेलिटी में। और दूसरे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की ओर से भी इस बात के लिए आग्रह था कि अब रिस्ट्रिक्शन को ख़त्म कर दिया जाए, आने जाने की प्रक्रिया को खुला कर दिया जाए। तो हमने वो कर दिया, पिछले कल कर दिया। और उसके साथ मैं मानता हूँ कि जो लोगों का जो सुझाव था, उस दृष्टि से हमने उसको पूरा कर लिया है। मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत इन दिनों में है, क्योंकि पूरे देश में, सारे प्रदेश में और हिमाचल में भी मामले पिछले दिनों से काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़े। दूसरा हमने एक चीज़ ये की है कि जो पूरे देश भर में एक कोविड के चलते जो नई गाइडलाइन आई है, और उस गाइडलाइन के मुताबिक ये किया है कि जब कोई पॉजिटिव केस ट्रीटमेंट के लिए हॉस्पिटल में आइसोलेशन में रखा जाता है तो आफ्टर 7 डेज उसका जो है वो कोविड टेस्ट होना चाहिए, और उसके बाद अगर वो नेगेटिव आता है तो उसके बाद उसको डिस्चार्ज करने की प्रक्रिया शुरू की। अगर इफ एट ऑल वो नेगेटिव नहीं भी आता है तो 10वें दिन जो है उसको हॉस्पिटल से होम आइसोलेशन के लिए भेजा जा सकता है, भेज दिया जाए 10वें दिन, ताकि वो होम आइसोलेशन में जाकर के आराम करे, और उसके लिए टेस्ट की जरूरत नहीं है, बशर्ते कि 3 दिन तक उसके जो है उसको जो है बुखार या सिम्टम कोई इस प्रकार के नहीं होने चाहिए, तो उसको छोड़ दिया जा सकता है, वो जा सकता है और अपने घर में जा करके होम आइसोलेशन में रह करके आराम कर सकता है। नहीं, क्वारंटीन हमने रखा है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं अब क्वारंटीन करेंगे, और इसमें कोशिश यही करेंगे कि भाई क्वारंटीन का जो हमारा इंस्टीट्यूशन जो है, जहाँ खास तौर से जो हमारा माइग्रेंट लेबर्स वगैरह आ रहे हैं, क्योंकि वो बल्क में आते हैं, बड़ी संख्या में आते हैं, एक साथ आते हैं और एक जगह से आते हैं कई बार, तो उनको उनके लिए सारी चीज को लेकर के एक बार टेस्ट करें। टेस्ट करने के बाद ऐसी कोशिश हमारी रहेगी। इंटर स्टेट मूवमेंट के लिए मैंने कह दिया कि उसमें रजिस्ट्रेशन खत्म है, लेकिन इंटर स्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट अभी हमने शुरू नहीं की।